सो फाइनली हमारे पास आ चुके हैं OnePlus के लेटेस्ट नेक बैंड्स, OnePlus Bullet G2 ANC। तो आज करेंगे इसका डिटेल रिव्यू और इसकी अनबॉक्सिंग। हमेशा की तरह इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इसके एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, साथ ही इसके वोकल्स, बेस, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, माइक क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस और सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे Realme Buds Wireless 3 और OnePlus Bullet G2 से इसकी कंपैरिजन वीडियो जल्दी आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसकी लॉन्चिंग प्राइस 2300 रुपये है और OnePlus Bullet G2 अभी 2000 रुपये के अंदर इजीली मिल जाते हैं, तो क्या 300-400 रुपये एक्स्ट्रा पे करना इसके लिए वर्थ है और क्या इन्हें अभी बाय करना सही रहेगा या फिर नहीं? तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले हमें मिलते हैं नेक बैंड्स, उसके नीचे एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। ये सारा बॉक्स कंटेंट आपको इसके साथ मिलेगा। सो अब बात करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो फर्स्ट इंप्रेशन में OnePlus Bullet G2 ANC और OnePlus Bullet G2 में आपको जरा भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। दोनों सेम ही डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलते हैं। सिर्फ इसमें आपको एक एक्स्ट्रा मल्टीफंक्शन बटन मिलेगा जिससे आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और ड्यूअल स्विच के फीचर को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें भी आपको IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, तो नॉर्मल पानी वगैरह में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो, बिल्ड क्वालिटी को लेकर मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगा, बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको बेस्ट लेवल की मिलेगी। अब जल्दी से इसकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो याद है 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASA और SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, गूगल फास्ट पेयर, मैग्नेटिक ऑन ऑफ, हेमिलिटी ऐप का सपोर्ट, 3 माइक्रोफोन्स विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 45 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, 94 ms की लो लेटेंसी, इनलाइन बटन कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 28 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो, कनेक्टिविटी के लिए लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 तो देना चाहिए था क्योंकि इसकी प्राइस भी ज्यादा है। इसके अलावा गूगल फास्ट पेयर, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और डेडिकेटेड एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है और इसके लिए आपको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। वैसे ये फीचर्स आपको नॉर्मल OnePlus Bullet G2 में नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो कुछ इस तरह का हेमिलिटी ऐप का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ईयरफोन्स की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी। यहाँ से आप नॉइस कैंसिलेशन को ऑन ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं और कस्टम इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलेगा। सो अपने हिसाब से ऑडियो प्रोफाइल को चूज कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा बहुत बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। यहाँ पर आपको ईयरबड्स फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके नीचे फर्मवेयर अपडेट्स और यहाँ से मल्टीफंक्शन बटन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह के फीचर्स आपको इसके एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। देखो, इसमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो देखेंगे एक्चुअल में कितनी लेटेंसी मिलती है और क्या गेमिंग के लिए इन्हें लेना सही रहेगा या फिर नहीं। सो देखो, 94 ms की लेटेंसी को इसमें क्लेम किया है बट मुझे एक्चुअल में काफी कम लगी। ऐसा OnePlus के सभी ईयरफोन्स और TWS में देखने को मिलता है। जितनी लेटेंसी क्लेम की गई है उससे एक्चुअल में आपको कम ही मिलती है। तो हाँ, कैजुअल गेमिंग आप इसमें कर सकते हो लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग आप इसमें नहीं कर सकते। अब बात करते हैं माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। इसमें 3 माइक्रोफोन्स AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो इसके माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो इंडोर्स में कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको मिलेगी। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो आउटडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है। बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की नॉइज़ है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। सो देखो, इसकी माइक क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। इंडोर्स में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आउटडोर्स में ट्रैफिक वगैरह में थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है लेकिन आपकी आवाज़ सामने वाले को क्लियरली सुनाई देगी, तो कॉलिंग के लिए इसमें ज़्यादा इशू नहीं आएगा। अब इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के फीचर को भी चेक करते हैं। देखो, 45 dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको इसमें मिलेगा। वैसे मैंने 30 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले TWS और ईयरफोन्स को रिव्यू किया है लेकिन इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर काफी बेस्ट है।
आउटडोर्स में भी ट्रैफिक कंडीशन में मैंने इसे टेस्ट करके देखा तो इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर परफेक्टली वर्क करता है और यही इसकी मेन हाईलाइट भी है। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इसके एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा। इसके वोकल्स और बेस को हर एक इक्वलाइजर मोड में लाइव टेस्ट करेंगे जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। तो अभी आपने इसकी वोकल्स और बेस दोनों को ही सुन लिया है। पर्सनली मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी बेस्ट लगी। नॉर्मल मोड में OnePlus Bullet Z2 और OnePlus Bullet Z2 ANC में डिफरेंस करना काफी मुश्किल है। दोनों में आपको लगभग सेम ही ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। इसके वोकल्स की क्लैरिटी भी मुझे काफी सही लगी। इसमें पंची और हेवी बेस आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप बेस वाला म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये आपके लिए काफी सही रहेंगे। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो, इसकी लॉन्चिंग प्राइस 2300 रुपए है, लेकिन और 100-200 कम होती तो ज्यादा बेटर होता। वैसे OnePlus Bullet Z2 की प्राइस 2000 रुपए है और सेल में आपको 1700-1800 तक भी इजीली मिल जाता है। अगर उनके कंपैरिजन देखा जाए तो इसमें आपको लगभग 300-400 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। उसमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, गूगल फास्ट पेयर और डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी मुझे काफी सही लगा। साथ ही माइक क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी इसमें आपको बेस्ट लेवल की मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑडियो क्वालिटी से मतलब है और बाकी ANC वगैरह के फीचर्स नहीं चाहते तो OnePlus Bullet Z2 के साथ जा सकते हो। तब इसके लिए 300-400 रुपए एक्स्ट्रा पे करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इन दोनों की डिटेल कंपैरिजन वीडियो जल्दी आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।